हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मरण। तो आज हम बनाने वाले हैं जलेबी। ये बहुत इजीली आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3 कप्स ऑफ मैदा। इसके बाद हम ऐड करेंगे बेसन 3 टेबलस्पून, नेक्स्ट ऑयल 1 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा हल्का गरम पानी 2.5 कप। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके सारे लम्स को हम हटाएंगे और एक स्मूद बैटर तैयार करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट हम इस बैटर को 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, या फिर आप इस बैटर को आटे के डब्बे में भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे के बाद इस बैटर में खमीर उठ जाएगा, ऐसे बबल्स आपको दिखेंगे। बैटर को हमें कैचअप की बॉटल में पोर करना है। इसी से हम जलेबी बनाएंगे। जलेबी का बैटर अब तैयार है। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप चाशनी। इसके लिए हम लेंगे 2 कप पानी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप शक्कर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे केसर। केसर ऐड करने से जलेबी का कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/4 टेबल स्पून। शुगर के मेल्ट होने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। उसके बाद चाशनी को हम साइड में रखेंगे। नेक्स्ट हम एक पैन में लेंगे 2 कप देसी घी। ट्राई करें कि आप जो पैन लें उसकी सरफेस फ्लैट हो। नेक्स्ट हम बैटर को पैन में कुछ इस तरह से पोर करेंगे। जलेबी बनाने की पूरी प्रोसेस में दिस इज़ माय फेवरेट पार्ट। अब हम इसे अच्छे से सिकने देंगे और गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसे बड़े ही ध्यान से फ्लिप करेंगे। दोनों साइड्स के अच्छे से सिकने के बाद हम इसे शुगर सिरप में ट्रांसफ़र करेंगे और सिरप के अच्छे से एब्जॉर्ब करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। अगर आप कम मीठी पसंद करते हैं तो जल्दी निकाल लीजिए। एंड एट लास्ट विल ट्रांसफ़र इट इन आर सर्विंग प्लेट। कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं घर की शुद्ध जलेबी। सर्व इट हॉट एंड एन्जॉय इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Hope you love this recipe. For more such recipes, please subscribe to our YouTube channel Smaran and press the bell icon. Thank you.